हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यूपीएससी से संबंधित पॉलिटी के एमसीक्यूज देखे थे, अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। The first option is Constitution of District Planning Committees. Second option बोलता है State Election Commission to conduct all panchayat elections. Third option दिया है Establishment of State Finance Commission. अगर विकल्प की बात करें तो हमारा पहला विकल्प है one only, विकल्प B है one and two only, विकल्प C है two and three only, last विकल्प है one, two and three. और हिंदी में भी आप इस तरफ देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर सोच के रखेंगे और फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए अब हम चलते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगर हम यहाँ के देखें तो आंसर सी में है टू एंड थ्री ओनली, मतलब जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो केवल किसकी बात करता है, केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप करने की बात करता है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की बात नहीं करता 73rd। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कौन करता है, ये बात होती है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। देखिए 73 किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, जबकि 74th किससे रिलेटेड है, ये नगर पालिका से संबंधित है और इसी में बात की गई है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से। एक्सप्लेनेशन अगर हम और देखें इसका, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है मेड रेडिकल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द रिविटलाइजिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूट। इट एडेड वेरियस प्रोविजंस इन आर्टिकल 243। किसको अमेंड किया था इसमें, आर्टिकल 243 को, और कौन सा पार्ट, पार्ट 9। इसमें कहां तक जोड़े गए थे, 243O तक जोड़े गए थे इसमें, ठीक है। इसमें जो एक और सूची भी ऐड करी गई थी जिसको बोलते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट थे, और इस शेड्यूल में कुल मिला के 29 सब्जेक्ट थे जिनमें पावर्स जो लोकल पंचायत बन रही थी उनको ट्रांसफर करेगा कौन, स्टेट उनको ट्रांसफर करेगा। तो अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। आर्टिकल 243Z बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की, और एक किस में बात हुई है, ये हुई है 74th अमेंडमेंट, जबकि हमारा क्वेश्चन था 73rd से रिलेटेड। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया था और आंसर हो गया था 2 एंड 3 करेक्ट। अगर हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 243K बात करता है कि इलेक्शन करवाने के लिए, फ्री टाइमली और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। और बात करें हम अगले की, स्टेटमेंट 3 की अगर, तो आर्टिकल 243I बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की। क्यों करना होता है, ये होना होता है कि जो जो भी पंचायत इंस्टीट्यूट है उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर सी, 2 एंड 3। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब वर्ग संघर्ष को कार्ल मार्क्स ने किसकी मदद से समझाया था। अगर हम विकल्प की बात करें तो इसमें सबसे पहला है एम्पेरिकल लिबरलिज्म, सेकेंड इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, थर्ड है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और फोर्थ है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो अगर हम बात करें मार्क्स के बारे में, बिना अभी आंसर देखे अगर हम बात करें मार्क्स के बारे में, तो हम एक चीज जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि मार्क्स जितनी भी चीजें थी उसको अपने आर्थिक चीजों से होके ही डिफाइन करते थे, मतलब वो दिखाते थे कि कैसे आर्थिक स्थिति ही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असमानता क्रिएट करती है। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमें समझ में आएगा कि लिबरलिज्म, एम्पिरिकल लिबरलिज्म से इसका कोई मतलब नहीं था, अस्तित्ववाद से भी इसका कोई संबंध नहीं था, डार्विन के विकासवाद से भी बहुत हद तक वो संबंधित नहीं थे। इसमें केवल एक चीज है, भौतिक। अगर हम देखें भौतिकवाद या फिर यहाँ पे अगर बात करें मटेरियलिज्म की, तो ये बहुत कुछ संबंधित है किससे, अर्थ से, आर्थिक स्थिति से। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए डी, आंसर होना चाहिए डी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर है क्या। आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। जो मार्क्सवादी सिद्धांत थे, सोवियत के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने इसको उपयोग किया था, और वो किस चीज में व्याख्या करते थे, इसमें हर चीज की व्याख्या करते थे भौतिक जरूरतों से, किससे, मटेरियल नीड्स जो होती थी उससे हर चीज को
डिफाइन करते थे। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज एंटाइटल्ड टू। मतलब अगर भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो गया तो उसे कौन कौन से विशेष लाभ मिलेंगे। अगर हम पहला विकल्प देखें तो है इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सेकेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। थर्ड देखें, इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15-point प्रोग्राम। विकल्प की बात करें तो विकल्प ए बोलता है 1 ओनली, विकल्प बी 2 and 3 ओनली, विकल्प सी 1 and 3 ओनली, लास्ट विकल्प 1, 2 and 3। तो चलिए अब हम इसमें ऑप्शन से बात करते हैं। अगर इसकी इसमें सबसे पहला कह रहा है इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, और ये पहला वाला विकल्प इसलिए सही हो जाता है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 29 जितना माइनॉरिटी के लिए उतना ही मेजॉरिटी के लिए भी लागू होता है, तो 29 दोनों के, हालांकि 30 केवल माइनॉरिटीज से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो लोकसभा में जो नॉमिनेशन था वो केवल 2 सदस्यों के लिए था। किन 2 सदस्यों के लिए? वो था एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन अगर हम इसके बारे में और बात करें तो हम देखेंगे कि जो 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 था उसके द्वारा क्या किया गया कि एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था वो तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का वो था उसको यहां पे खत्म कर दिया गया है। तो अब कोई भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं है जिसको नॉमिनेट किया जाएगा लोकसभा में, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट कैन डेराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्री कार्यक्रम था वो 2005 में दिया गया था, और इसमें अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। तो आंसर हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ किससे संबंधित है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला देखते हैं इसमें क्या है, इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन है इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। थर्ड ऑप्शन है इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी एंड सी गिवन अबव इज करेक्ट। मतलब ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों ही गलत हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। आंसर तो डी है, आंसर डी होने का मतलब है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी एंड सी गिवन अबव इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं कि क्यों करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की तो किस तरीके से रिकमेंडेशन बनाता है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि मतलब राष्ट्रपति को क्या क्या वो सिफारिश करता है। उसमें सबसे पहला है संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण जो उनके बीच विभाजित किया जाना है। मतलब वो ऐसे सिद्धांत बताएगा जिसमें संघ और राज्यों के बीच करों का और शुद्ध आय का वितरण होगा। ठीक है, इसमें कहीं भी अभी बात नहीं है, इसमें अगर हम किसी भी इसमें विकल्प देखें तो किसी में इसकी बात नहीं हुई है। कहां किसकी बात करता है, फॉरेन कैपिटल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। सेकंड ऑप्शन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग पब्लिक सेक्टर, जबकि हमारा ऑप्शन क्या है कि यूनियन और स्टेट के बीच में। और थर्ड है इसमें इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनमें से कोई भी नहीं था। हम दूसरी ड्यूटी अगर देखें तो वो कहती है कि भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत भी कौन बताएगा, वित्त आयोग सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। अगर हम तीसरी बात करें इसमें तो इसमें दिया जो राज्य का वित्त आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें की गई है किसके आधार पर, राज्य में पंचायती संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। मतलब जो राज्य का वित्त आयोग था वो उसकी पंचायत से रिलेटेड जो संसाधन है उनके लिए जो सिद्धांत बताएगा उन्हीं की सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा, किससे, प्रेसिडेंट को।
और अगर हम एक और ड्यूटी की बात करें तो वो हो जाती है राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। मतलब जो पंचायत के लिए वही सेम चीज है नगर पालिका के लिए, और ये भी किसके आधार पर, जो राज्य के वित्त आयोग की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ये सेंटर से मतलब यूनियन से कहेगा कि उसके संसाधनों को और बढ़ा दे। और अगर हम लास्ट इसके कर्तव्य की बात करें तो कहता है मजबूत वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। मतलब जो भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये जरूरी है और ये जरूरी हो जाता है भारत के मजबूत वित्त स्थिति को बनाने के लिए, तो ऐसे किसी मामले को ले सकता है। मतलब हमने देखा कि उनमें से कोई भी नहीं था, जो भी ऑप्शन दिए गए वो कोई भी शामिल नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए हमने देखा कि आंसर यहाँ पे हो गया डी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मतलब किसके बारे में दिए गए हैं स्टेटमेंट, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में, या हम एमपीसी भी कह सकते हैं इसको। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं महानगर योजना समिति। इसमें अगर हम पहला देखें तो कहता है इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट। यहाँ पे ड्राफ्ट शब्द को याद रखेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। थर्ड हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि बात कर रहा है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। और अगर विकल्प की बात करें तो इसमें सबसे पहला विकल्प होता है वन एंड टू ओनली, टू ओनली, थर्ड है वन एंड थ्री ओनली, डी है वन टू एंड थ्री ओनली। चलिए तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। ए मतलब यहाँ पे देखें वन एंड टू ओनली, मतलब ये कह रहा है ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन ये गलत है। अब जान लेते हैं क्यों गलत है। तो सबसे पहले जो 74वां संविधान संशोधन मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमपीसी मतलब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है उसको बनाना मैंडेटरी करता है। किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, किन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया में बनाना मैंडेटरी करता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा था कि इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो एमपीसी बनती है वो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत बनती है, तो वो सही हो जाता है। अब चलते हैं और आगे जान लेते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये कहता है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा। मसौदा मतलब ये क्या है, बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें मसौदे की तो वो होता है क्या, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया एज अ होल। तो अगर हम बात करें तो क्या हो गया हमारा, एक और दो स्टेटमेंट हो गए सही। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था कि द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन बनाएगा, एमपीसी। तो पहला भी ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की वो केवल किसकी होती है, एमपीसी की होती है। ये कह रहा थर्ड ऑप्शन। और हम बात करें कि ऐसा ये क्यों गलत है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि महानगरीय क्षेत्रों में केवल एमपीसी ही सारी चीज़ें नहीं करती। अगर हम केवल दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें तो दिल्ली में बहुत सारी इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज हो जाती हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो प्रकार से एक नहीं, केवल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एमपीसी की, एक से ज़्यादा एजेंसीज भी हो सकती हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हों, लेकिन इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा है सोल उन्हीं की होगी, ऐसा नहीं है, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बोर्ड एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। मतलब लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द प्रोविजन ऑफ अ बोर्ड एंड अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज्ड बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट व्हाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। ऑप्शन है यहाँ पे वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। आंसर बी का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन कह रहा है द प्रोविजन ऑफ अ बोर्ड एंड अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट, ठीक गलत हो जाएगा। और सही हो जाएगा कौन सा, ये वाला। मतलब अब बोर्ड एंड अकाउंट
ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर, मतलब जो लेखानुमोदन होता है वो केवल व्यय से संबंधित होता है, जबकि जो इंटरिम बजट होता है वो एक्सपेंडिचर और रिसीट, मतलब प्राप्ति और व्यय दोनों से संबंधित होता है। ये सही हो गया और ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे अगर बात कर लें तो है कि भारत का संविधान का जो 116 है अनुच्छेद वह लेखानुदान को परिभाषित करता है और भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए अग्रिम जो अनुदान होता है वो किसमें दिया जाता है, लेखानुदान में। आमतौर पर वित्तीय वर्ष के शुरू होने तक कुछ महीनों तक चलता है। ये कब चलता है, जैसे कि मार्च अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उसमें शुरू के कुछ महीनों के लिए जो अग्रिम अनुदान होता है वो लेखानुदान कहलाता है। अगर हम बात कर लें कि अगर कोई चुनावी साल है, देखो रेगुलर जो साल होते हैं उनमें तो हर वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट आएगा, लेकिन अब अगर चुनाव होने वाला है, मान लीजिए चुनाव अपने यहाँ है 2024 में, तो कब होंगे, मई 2024 में फाइनल डिसीजन आएगा। लेकिन बजट कब पास हो जाना चाहिए, बजट कब आ जाता है, बजट फाइनेंशियल ईयर का कब शुरू हो जाएगा, 2024-25 के लिए बजट शुरू हो जाना चाहिए मार्च से। लेकिन क्योंकि जो करेंट गवर्नमेंट होगी वो कब तक रहेगी, केवल मई तक, तो क्या ये ठीक रहेगा कि जो सरकार मई तक रहने वाली है, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि सेम गवर्नमेंट ही दोबारा रिपीट हो, तो ऐसी सरकार जो मई में डिसॉल्व होने वाली है, क्या ये ठीक रहेगा कि पूरे साल के लिए बजट बनाए, नहीं, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आएगी और उसके अपनी कुछ पॉलिसीज होंगी, उन पॉलिसीज के हिसाब से वो बजट बनाएगी। तो ये जरूरी इस टाइम पे क्या होता है कि पूरा बजट ना लाके उस टाइम पे वोट एंड अकाउंट या अंतरिम बजट लाते। यहाँ पे इन दोनों चीजों का हम डिफरेंस समझ ही चुके हैं कि वोट एंड अकाउंट किससे रिलेटेड है, केवल व्यय से रिलेटेड है, जबकि अंतरिम बजट ये लगभग लगभग बजट के जैसे होता है, जैसी चीज जो चीजें बजट में होती है वही अंतरिम बजट में होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि ये पूरे साल के लिए नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तो उस टाइम पे इसको लाया जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो वोट एंड अकाउंट तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं कि केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, और जो अंतरिम बजट होता है वह व्यय और प्राप्तियों दोनों से संबंधित होता है। तो अगर हम क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला हो जाता है कि प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट इज यूज बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इंटरिम बजट तो ठीक है केयरटेकर गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि जो सरकार है लेकिन क्योंकि उतना समय नहीं है और व्यावहारिक नहीं होगा कि पूरे साल के लिए बजट लाएं, तो वो क्या लाते हैं, अंतरिम बजट लाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो वोट एंड अकाउंट कह रहा है कि एक्सपेंडिचर से, तो हमने देखा कि एक्सपेंडिचर से है और इंटरिम बजट में एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और रिसीट की बात हो रही, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ओनली बी। चलिए आज के वीडियो में हमने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखे, और ऐसे ही एमसीक्यूज और नई नई जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.